नमस्कार साथियों, आज मैं बताऊंगा जो एसटीपी में सबसे पहले जो पानी आता है वो इस टैंक में आता है हमारे, इसको हम ग्रीस टैंक बोलते हैं। और इससे हम और इसके बाद में इस टैंक में आता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो बल्ब चल रहा है ना वहाँ, ये टैंक का मुँह है और इसको ये टैंक है, तो इस टैंक में आता है, इसको हम कलेक्शन टैंक बोलते हैं। पहले ग्रीस टैंक में आया, उसके बाद में कलेक्शन टैंक, और उसके बाद में हम पंप की सहायता से लेके ये जो यहाँ पंप लगे हैं यहाँ से लेके हम MBBR 1 में डालते हैं। तो वहाँ MBBR 1 से ओवरफ्लो होके MBBR 2 में, और ओवरफ्लो होके फिर ये सर्कुलेशन पंप टैंक है उस टैंक में आता है। और इस टैंक से फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ओवरफ्लो होके ये एक पाइप बना है, इसकी सहायता से आके ये CCC टैंक है ना, क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में आ जाता है ऐसे। और यहाँ से हम क्या करते हैं, पंप की सहायता से लेके फिल्टर करते हैं, MGA फिल्टर से जाके है ACA फिल्टर में, और ACA फिल्टर से फिल्टर होके आके फिर हम ये ट्रीटेड टैंक है, जो ट्रीटमेंट करके हम इस टैंक में डालते हैं। और ये ट्रीटेड वाटर होता है, इसको हम यहाँ से पंप की सहायता से लेके हम प्लास्टिक पानी यूज करते हैं, जो ऊपर जो फ्लशिंग के लिए पानी यूज में करते हैं उसमें डालते हैं। तो और टैंक के पास में ले जाके भी मैं आपको दिखा दिया हूँ पूरा। तो ये MBBR 1 है, ये MBBR 2 है, और उसके बाद में एक टैंक और है, और वहाँ पर ग्रीस टैंक आपको पास में ले जाके दिखाया था, ये कलेक्शन टैंक है, और ये CCC टैंक है, और यहाँ पर जो टैंक है वो है ट्रीटेड वाटर टैंक है। और ये यहाँ पर VFD स्टार्टर पैनल लगा हुआ, इसके अंदर VFD है, VFD पंप है, यहाँ पर एयर ब्लोअर वो कंटिन्यू 24 घंटे चलता रहता है। नीचे से आपको दिखाता हूँ मैं, जैसा कि दोस्तों आपको वीडियो में दिखाया पहले कौन से टैंक में पानी आता है, उसके बाद में कहाँ पर जाता है STP में। तो जो हमारा कलेक्शन टैंक है ये वाला यहाँ पर है, तो उसका पंप यहाँ पर है, ये वाला, सॉरी वो नहीं है, ये वाला पंप है, ये अभी ऑफ कंडीशन में है। तो कलेक्शन पंप से हम पानी उठा के हम इसमें देते हैं MBBR 1 में देते हैं, और MBBR 1 से ओवरफ्लो होके MBBR 2 में जाता है, और उसके बाद में इस छोटी वाले टैंक में जाता है। तो इन तीनों टैंक को एरिएशन टैंक भी बोलते हैं। और फिर इसका जो ओवरफ्लो होके ये स्लज है वो इसके अंदर रुक जाता है, और फिर इस पाइप के थ्रू इस टैंक में जाता है, CCC टैंक में, यहाँ से ओवरफ्लो होके CCC टैंक में जाता है। उसके बाद में हम ये वाले पंप चलाते हैं, जो हमारा फिल्टर होते ट्रीटेड वाटर में, ट्रीटेड टैंक में जाता है। तो यहाँ से ये पंप चलाते हैं, फिर MGF जो फिल्टर है पहले उसमें आता है, और MGF फिल्टर के बाद में जाता है ACA फिल्टर में, और ACA फिल्टर से होते हुए ये उधर से पाइप है वो होते हुए उसमें ट्रीटेड वाटर टैंक में जाता है। ट्रीटमेंट करके हम उसको डोमेस्टिक के लिए भी भेज सकते हैं, मतलब डोमेस्टिक टैंक में भी भेज सकते हैं। और उसके बाद में हम ये वाला जो इसमें देखो स्टार्टर दिखाता हूँ, VFD लगी हुई है, VFD मोटर से हम चला के ये वाला पंप है यहाँ से हम ऊपर जो डोमेस्टिक टैंक होती है उसमें पानी को पहुँचाते हैं। और ये STP प्लांट कैसे वर्क करता है, और यहाँ पर जो एयर ब्लोअर है, हमारा एयर ब्लोअर है 24 घंटे चलते रहते हैं, ये इसका यहाँ से कंट्रोलिंग स्टार्टर है, यहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कौन से पंप को चलाना है कौन से पंप को नहीं चलाना है। तो ये देखो आपको स्टार्टर दिखा देता हूँ, अभी हमारा एक जो है एयर ब्लोअर चल रहा है, और नीचे जो सर्कुलेशन मोटर है वो चल रही है। यहाँ पर एक पंप और दिखाता हूँ आपको मैं, ये इधर वाले पंप हैं, दो पंप हैं, इनमें एक पंप चल रहा है अभी, एक पंप ही चलाते हैं एक साथ में, एक बार में एक ही पंप चलाते हैं, वो सर्कुलेशन पंप है, जो इस टैंक का पानी है
वो उस टैंक में डालता है वापस, इसे सर्कुलेशन चलता रहता है। जो ये लास्ट वाली टैंक है इसका पानी MBBR 1 में जाता है, फिर ओवरफ्लो होके इसमें आता है, फिर उसके बाद में इस टैंक में, ये सभी टैंकों हम एरिएशन टैंक बोलते हैं, तो ये सर्कुलेट होता रहता है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया, जो सलज होता है, वो सलज नीचे जम जाता है और पानी पानी है वहाँ से। आपको मैंने वीडियो में दिखाया था पहले, वो ऊपर से होते हुए इसमें ओवरफ्लो होके इसमें आता है कलेक्शन टैंक के पास वाले टैंक में, जिसको हम सीसी टैंक बोलते हैं। तो और ये जो हमारा MGF फिल्टर है, उसको हम बैकवास कहते कैसे करते हैं MGF फिल्टर है उसको हम बैकवास कैसे करते हैं, तो ये हमारा अभी फिल्टर में है। तो बैकवास करने के लिए हमें पहले इसको ऐसे दबाना पड़ता है, ऐसे दबा के फिर ऐसे इसको घुमाना पड़ता है। तो ये अभी आ गया बैकवास पे, अभी बैकवास पे चलेगा, बैकवास करेंगे तो इसको बैकवास पे डालेंगे। उसके बाद में जितना भी टाइम इसको, मतलब जितना ये एकदम सही हो जाएगा, इसमें से पानी बैकवास करेंगे तो जैसे इसका हम पानी को देख के पता लगा लेंगे कि हाँ हमारा पानी एकदम सही आने लग गया। इसमें जितना भी कचरा था वो निकल गया है, एकदम साफ पानी आने लग जाएगा। बैकवास करेंगे तो जो जब साफ पानी आने लग जाएगा तो इसको रेज पे कर देंगे, मतलब पहले इसको बैकवास करेंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे दबा के और फिर इसको यहाँ पर कर देंगे। और इसको थोड़ी देर 15-20 मिनट तक हम चलाएंगे, उसके बाद में वापस फिल्टर पर ऐसे दबा के, हमेशा ध्यान रखना है जब भी इसको फिल्टर से बैकवास करते हैं तो पहले इस पंप को बंद करना है। पंप को बंद करके ही हम बैकवास पे करेंगे, और हमेशा पंप को बंद करके ही फिर रेन पे करेंगे, और पंप को हमेशा बंद करके ही फिल्टर पे करेंगे। ऐसे ही जो ऐसी फिल्टर है उसको भी हम इस टाइप से ही बैकवास करेंगे, बट हर जब भी हम बैकवास करेंगे तो हमारा पंप है हमेशा बंद होना चाहिए, पहले बंद करके फिर इसको घुमाना है, नहीं तो हमारा ये ख़राब होने के चांसेज होते हैं और इसमें पानी रुक जाएगा तो हमारा पंप है वो कहीं से भी पाइप है वो फट जाएगा और पानी कहीं भी लीकेज हो जाएगा। तो बैकवास करते टाइम पर ही हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा पंप बैकवास पे हम डाल रहे हैं, जब भी हम कोई भी फिल्टर को बैकवास पे डाल रहे हैं तो ये हमेशा पंप को ऑफ करके फिर ही डालना है, और तभी पंप को हमेशा बंद करके फिर ही बैकवास पे डालना, और पंप को हमेशा बंद करके ही फिर ये यहाँ पर डालना है, पंप को हमेशा बंद करके ही रेंज पे डालना है, और पंप को हमेशा ही बंद करके फिल्टर पे डालना है। तो दोस्तों आज हमने STP प्लांट के बारे में जाना, तो कैसा लगा वीडियो बताना, तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों।